काली रात जिसने हमारे परिवार को उजाड़ दिया था हमें आज भी डराती है। मेरी आंखें आज भी अपने अब्बू का इंतजार करती हैं। इन जालिमों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं चाहती हूँ हमें इंसाफ मिले, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। ऐसी सजा मिले उन्हें जो एक मिसाल बने, किसी दूसरे के साथ ऐसा ना हो, मेरी तरह किसी बेटी को अपने बाप से बिछड़ना ना पड़े। जब वहां से वापस चले तो वापस चलना के बाद ट्रेन में बैठ गए तो एक सीट पर बैठ के नहीं तो वो अपने जैसे मोबाइल देख रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है। फिर किसी ने कहा कि भाई सीट दे दो, तो उसने सीट दे दिया। तो अब ये तो कोई बात ही ना हुई कि भाई उन्हें सीट मांगे तो उन्हें सीट दे दी। अब वो खड़े हो गए, खड़े होने के बाद फिर वही लोग कह रहे हैं कि ये मुल्ला हैं, ये कटल्ला हैं, ये गाय खाते हैं, ये देश द्रोही हैं, इन्हें पाकिस्तान भेजो। देखो एक मेरा बेटा हाफिज है और इतने पढ़ाए लिखाए, इतनी ऊंचे ख्वाब, हम इसको अच्छे बढ़िया कारी बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, जैयद बनाएंगे, और फिर उससे ये कहा जा रहा है कि तुम गाय खाते हो और तुम देश द्रोही हो, तुम पाकिस्तान नहीं जाओ। तो बच्चा तो किसी का भी हो, कौन बर्दाश्त करेगा। पूरी बोगी में सब मार रहे हैं मेरा बेटा उनको, बता हाफिज होना की वजह से और मुसलमान होना की वजह से। हम सब आप, हम एक ही दादा की औलाद हैं और एक ही माँ की औलाद हैं और एक ही हमारा अल्लाह है। और इतनी कोई ऐसी ना है अकजा में हम अलग अलग हैं। अगर हमारा और आपको बदन एक जैसा ना हो या खून एक जैसा ना हो तो बताओ। इतने में ही मेरा बेटा हाफिज जुनैद की वफात होगी रेल में। इतने में फिर रेल स्टेशन आ जाता है असाउटी, तो ऐसे लोग जा रहे हैं और कोई लात मार रहा है, कोई घूंसा मार रहा है, कोई ठोकर मार रहा है, फिर भी पड़ा पड़ा को मार मार के भाग रहे हैं। किसी से ये नहीं बन रही है अख हम इनको बचावें, उठावें और हम इनको उतारें। तो मेरा बेटा हासिम के भी चक्कू लगे हुए हैं लेकिन अपना तो उनके याद ही नहीं है, है। फिर भाई ने खींच खींच के उतार रहा है और स्टेशन पर पटक रहा है। पुलिस को फ़ोन करो तो पुलिस नहीं आई, और एम्बुलेंस लो फ़ोन करो तो बहुत काफ़ी देर फ़ोन आई, एम्बुलेंस आई, फ़ोन से भी नहीं आ रहे हैं लोग, बताओ। तो एक मैं माँ हूँ, आप भी माँ हैं। अगर मेरा बेटा के साथ जो हुआ है, अगर आपके साथ ये होवे या आपके सामने किसी को होवे तो बताओ आपके दिल पे क्या गुजरेगी। फिर हम उसके लिए क्या मांगेंगे, हम उसके लिए इंसाफ मांगेंगे। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हमसे क्या कहा जा रहा है, आपके 10 गामन की पंचायत आ रही है, मीटिंग हो रही है, आपके 40 गामन की मीटिंग हो रही है, आपके 100 गामन की मीटिंग हो रही है, और हम पे इस तरह से दबाव दिया जा रहा है। जो जुनैद का अब्बू है उसके ऐसे खड़े हो जाते हैं लोग पास और उसको उठाते हैं, चलो मीटिंग में चलो, मीटिंग में चलो। अरे जब हम फैसला नहीं कर रहे तो हमने इंसाफ मांगा है अपने बेटा के लिए, तो हम मीटिंग में जाके क्या करेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि आप 2 करोड़ रुपए ले लो और 3 एकड़ जमीन ले लो। आप बताओ कि आप 3 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 3 एकड़ जमीन या 10 एकड़ जमीन या 100 करोड़ रुपया आपको अच्छा लग जाएंगे क्या। बेटा जैसी कोई चीज दुनिया में है क्या। अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है लेकिन माँ की आंखों की ठंडक औलाद है।